हेलो गाइज़, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। तो गाइज़, अगर आपके पास भी Xiaomi 11 आई है या फिर अगर आप भी Xiaomi 11 आई लेने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं Xiaomi 11 आई के बहुत सारे अमेजिंग फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइज़, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, इस फोन में हमें पहले से ये वाला कंट्रोल सेंटर दिया जाता है, पर हम यहाँ इस कंट्रोल सेंटर को बदल भी सकते हैं। तो इसे बदलने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर लिखा हुआ दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको न्यू वर्जन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, आप न्यू वर्जन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ही अलग लुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि बिल्कुल अमेजिंग है। चलते हैं गाइस नंबर टू फीचर की ओर। तो गाइस, इस फोन के अंदर जो डार्क मोड आता है उसमें हमें थोड़े बहुत एडवांस फीचर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे गाइस, आपको सबसे पहले डार्क मोड के ऊपर क्लिक करके रखना होगा। उसके बाद गाइस यहां पर आपको अपने हिसाब से डार्क मोड में शेड्यूल लगा सकते हो, और उसके बाद गाइस यहां पर आप वॉलपेपर और बैकग्राउंड में डार्क मोड को एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। चलते हैं गाइस अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स, इस फोन में हमें डायरेक्ट वाईफाई टेदरिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। तो इसकी मदद से आप यहाँ पर वाईफाई और हॉटस्पॉट को एक ही समय पर ऑन कर पाओगे, जिसकी मदद से आप वाईफाई से जो डाटा ले रहे हो उसे किसी थर्ड पर्सन को भी आप यहाँ पर भेज सकते हो। तो गाइस, चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो गाइस, इस फोन के अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक स्क्रॉल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्लिक होने लगा है। आपको जितना भी लेना है आपको उतना स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। चलते हैं गाइस अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स, इस फोन के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डर आता है उसमें भी हमें थोड़े बहुत एडवांस फीचर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डर के ऊपर क्लिक करके रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप 100 Mbps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आप साउंड सोर्स को भी चेंज कर सकते हो। उसके साथ आप 60 FPS फ्रेम रेट के साथ वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइस, चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स, इस फोन में हमें रीडिंग मोड का भी ऑप्शन दिखाई देता है। तो गाइज, यहाँ पर फोन को चलाते वक्त आपकी जो आंखों को नुकसान होता है उस नुकसान को आप काफी हद तक कम कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर आप कभी भी लंबे समय तक यदि फोन को यूज करो तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो गाइज, चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लोक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो फीचर देखने के लिए मिलते हैं, राइज टू बेक और डबल टेप टू बेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। तो गाइस, यहाँ पर आप पहली फीचर की मदद से आप अपने फोन को जब भी किसी प्लेन सर्फेस से उठाओगे तो आपका फोन अपने आप ऑन हो जाएगा, और दूसरे फीचर की मदद से आप अपने फोन पर जब भी दो बार क्लिक करोगे तो आपका फोन ऑन हो जाएगा। चलते हैं गाइस अगले फीचर की ओर। तो गाइस, इसके लॉक स्क्रीन के अंदर हमें एक और फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी लॉक स्क्रीन क्लॉक को चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको जैसी भी रखना है आप रख सकते हो। तो गाइस, चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो गाइस, इसकी लॉक स्क्रीन के अंदर हमें एक और फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है ग्लेंस 4 MI। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद आप अपने फोन को जब भी अनलॉक करोगे तो आपको नई नई न्यूज देखने के लिए मिलेंगी लॉक स्क्रीन के ऊपर। उसके साथ साथ आपको नए नए वॉलपेपर देखने के लिए मिलेंगे, प्लस आपको थोड़े बहुत एड भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये पसंद ना आए तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो गाइस, चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें एक और फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है लॉन्च कैमरा। तो सबसे पहले आपको इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद आपका फोन जब भी लॉक रहेगा, लॉक होने के बाद आप अपनी वॉल्यूम डाउन बटन को जैसे ही दो बार प्रेस करोगे तो आपका जो कैमरा है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो गाइस, चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स, इस फोन के अंदर हमको पहले से इंटरनेट स्पीड मीटर देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको इसे इनेबल करना होगा। इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको स्टेटस बार लिखा हुआ दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा सो कनेक्शन स्पीड, आपको इसे ऑन कर देना है। आप इसे जैसे ही ऑन करोगे तो आपके फोन में इंटरनेट स्पीड मीटर ऑन हो जाएगा। तो गाइस, चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो गाइस, यहाँ पर हमें एक और फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है हाइड नोच। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी नोच स्क्रीन को हाइड कर सकते हो। अगर आपको अपनी नोच स्क्रीन पसंद नहीं है तो आप यहाँ से अपनी नोच स्क्रीन को हाइड कर सकते हो। तो गाइस, चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स, इस फोन के सेटिंग के अंदर हमें एक और फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है डबल टैप टू लॉक स्क्रीन। आपको इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक बार और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, आपको इसे ऑन कर देना है। आपको इसे जैसे ही ऑन करोगे उसके बाद आप अपने फोन पर जब भी दो बार क्लिक करोगे तो आपका फोन कुछ इस तरीके से लॉक हो जाएगा। तो गाइस, चलते हैं अगले फीचर की ओर।
तो फ्रेंड्स इस फोन के अंदर मल्टीपल फेस लॉक का फीचर भी हमें दिखाई देता है, जिसकी मदद से आप फेस लॉक के अंदर मल्टीपल फेस डाटा का यूज कर सकते हो, जैसे गाइस अभी मैंने किया है। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स इस फोन के अंदर हमें थीम्स स्टोर भी देखने के लिए मिलती है, तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां से थीम के साथ साथ वॉलपेपर, रिंगटोन और फोन्स को भी चेंज कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो गाइस इस फोन के पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर हमें एक और फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कोई अच्छा सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप यहां पर फोटोज, फाइल एंड नोट्स को भी हाइड कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स इस फोन की सेटिंग के अंदर हमें एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है डुअल एप्स। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एप्स लिखा हुआ दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डुअल एप्स के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आप किसी भी ऐप का क्लोन बना सकते हो, और आप बड़ी आसानी से एक ऐप के दो अकाउंट को आप एक फोन के अंदर यूज कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ऐप लॉक भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऐप के अंदर लॉक भी लगा सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स इस फोन की सेटिंग के अंदर हमें एक और अमेजिंग फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है क्विक बोल। तो इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको एडिशनल सेटिंग में जाना होगा। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको क्विक बोल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद गाइस यहां पर आपको एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको जब भी क्विक बोल के फीचर को यूज करना है आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप बहुत सारे बटन शॉर्टकट को यूज कर सकते हो, जैसे होम बटन, मेन्यू बटन और गाइस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहां से, और गाइस यहां से आप अपने स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो गाइस आप इस फोन में फुल स्क्रीन गेस्चर को भी यूज कर सकते हो। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फुल स्क्रीन गेस्चर को ऑन कर देना है। आप इसे जैसे ही ऑन करोगे तो गाइस आपके फोन में फुल स्क्रीन गेस्चर ऑन हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो गाइस इस फोन के एडिशनल सेटिंग के अंदर हमें एक और अमेजिंग फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है बटन शॉर्टकट। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां से बहुत सारे बटन शॉर्टकट को यूज कर सकते हो, जैसे आप थ्री फिंगर को स्क्रीन पर स्लाइड करके स्क्रीन शॉट ले सकते हो, उसी तरीके से आप यहां पर बहुत सारे बटन शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। तो इन्हें यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर शॉर्टकट चूज करना है। शॉर्टकट चूज करने के बाद आपको अपनी मेथड चूज कर लेनी है। मेथड चूज करने के बाद ये इनेबल हो जाएंगे। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमें एक और अमेजिंग फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है क्लियर स्पीकर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसे ऑन कर देना है। आप इसे जैसे ही ऑन करोगे तो आपके फोन में जो भी मतलब आपके फोन के स्पीकर में जो भी डस्ट वगैरह है वो 30 सेकंड के अंदर साफ हो जाएगी। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स इस फोन के अंदर हमें गेम टर्बो भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो, और उसके साथ साथ हमें इसमें एडवांस फीचर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनका यूज आप गेमिंग के लिए कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अगले फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स इस फोन के कैमरे के अंदर भी हमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस इन्हें यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कैमरे के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मोर के ऊपर क्लिक करना है। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आपको बहुत सारे अच्छे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे आप क्लोन बना सकते हो अपने खुद का फोटो या वीडियो के अंदर। उसके बाद आप डुअल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट और रियर कैमरे से दोनों से एक साथ आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके साथ आप स्लो मोशन वीडियो भी बना सकते हो। तो गाइस यहां पर बहुत सारे अच्छे फीचर है, जिनका यूज आप फोटोग्राफी के लिए कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में।